नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में, जहां आज हम आईपीएल 2020 के 20th मैच का ए टू जेड एनालिसिस करेंगे, जो खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहां नो डाउट हिटमैन शर्मा जी की टीम काफी बैलेंस्ड है और लोअर मिडिल ऑर्डर में पोलार्ड एंड पांड्यन ब्रदर्स की जोड़ी हर मैच में ऑपोजिशन को हिला के रख दे रही है। वहीं राजस्थान की टीम संजू सैमसन, स्मिथ और बटलर के ऊपर काफी डिपेंड करती दिख रही है। तो भाई लोग, इन दोनों ही टीम्स के बीच अभी तक कैसा माहौल रहा है, कैसे हैं इनके रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्स और कौन सी टीम इस मैच को जीतने की है प्रबल दावेदार, इन सभी बातों को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों और फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। आइए मुंबई और राजस्थान के हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई, यहाँ दोनों ही टीम्स थे इस बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, जिनमें मुंबई और राजस्थान ने 11-11 मैचेस जीत के बराबरी की है और एक मैच रद्द हुआ है। हाईएस्ट स्कोर पे जाएं तो 2010 में मुंबई की तरफ से ठोके गए 212 रन का पीछा करने उतरी राजस्थान ने मारे हैं 208 रन। एवरेज स्कोर पे ध्यान दें तो वो रहा है 160 के करीब। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 और 18 में खेले गए चार मैचेस में राजस्थान ने जम के हल्ला बोला है और अब टीम्स को देखते हुए इस सीजन मुंबई को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की दुनिया हिला देने का एक सुनहरा मौका मिला है। अपने एनालिसिस में अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और भाई वेन्यू के हाल और पिच की चाल पे गौर कर लेते हैं। तो ये 20th मैच खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी में, जहां अगर हम पिछले T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 44, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 19 बार और रन चेस करने वाली टीम जीती है 25 बार। हाईएस्ट टोटल इस पिच पे रिकॉर्ड हुआ है 225 रन का, वहीं लोएस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ है 87 रन। साथ ही साथ अगर हम इस सीजन में अभी तक खेले गए मैचेस पे फोकस करें तो भाई टोटल मैचेस खेले गए हैं 6, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम भी 3 बार ही जीती है। तो भाई शेख जायद स्टेडियम का जो ट्रैक है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों को खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और पिछले 6 मैचेस के रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर अराउंड 170 या उससे प्लस का स्कोर बनाती है तो वो इस मैच को आसानी से जीत सकती है। अब अगर इस वेन्यू पे गेंदबाजों की परफॉर्मेंस पे गौर करें तो ये स्पिनर्स के लिए काफी अच्छी पिच मानी गई है, लेकिन अभी तक के स्कोर्स कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। टोटल मैचेस 6 खेले गए हैं, जिनमें से 66 विकेट लिए गए हैं। विकेट्स टेकन बाय पेसर्स हैं 41, वहीं विकेट्स टेकन बाय स्पिनर्स हैं 23। अब जरा दोनों ही टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं, पहले फोकस करते हैं टीम मुंबई इंडियंस पे। मुंबई की कैपेबिलिटी को देखते हुए हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया था, हालांकि टीम वो मैच जीती जरूर थी और उसका क्रेडिट ओपनर क्विंटन डिकॉक को जाता है, जिनके बल्ले से आखिरकार आतिशबाजी शुरू हो गई है। कप्तान रोहित भी शुरुआत से ही बॉलर्स पे हावी होते दिखे हैं, लेकिन पारी को लंबा नहीं खींच पा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के लगातार खराब प्रदर्शन के चलते टीम ईशान किशन को अगर तीसरे नंबर पे फिक्स कर दे तो इनसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। हमेशा की तरह टीम को आखिरी 5 ओवर में टोकरी भर भर के रन दिलाने वाले पोलार्ड और पांड्यन ब्रदर्स टीम का मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर बखूबी संभाल रहे हैं। तो भाई इस तरह मुंबई का बैटिंग ऑर्डर 7th डाउन तक राजस्थान के खेमे में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। बॉलिंग अटैक पे गौर करें तो ट्रेंट बोल्ट, जेम्स पैटिंसन और जसप्रीत बुमराह पेस अटैक संभाल रहे हैं और यहां फिरकीबाज राहुल चहर और कृणाल पांड्या के सपोर्ट से टीम बैलेंस लग रही है। अब फाइनली अगर हम वीक लिंक ढूंढे टीम का तो वो हमें सूर्य कुमार यादव के रूप में दिखा है। चलिए साथ ही साथ इनके संभावित प्लेइंग 11 पे भी नजर डाल लेते हैं। क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर सौरभ तिवारी को अगर यहां पे एक बार मौका दिया जाए तो टीम के लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। ईशान किशन, कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जेम्स पैटिंसन, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो भाई ये तो था मुंबई इंडियंस का लेखा जोखा। अब बढ़ते हैं टीम राजस्थान रॉयल्स की तरफ। राजस्थान ने अपना आखिरी मैच इसी पिच पे खेला है आरसीबी के खिलाफ और अब वो लगातार 2 मैचेस हार चुकी है।
यहाँ काफी कुछ डिपेंड करता है टीम की ओपनिंग जोड़ी स्टीव स्मिथ और जॉश बटलर पे, जहां स्मिथ ने 4 मैचेस में 127 रन बनाए हैं जिसमें 2 हाफ सेंचुरी शामिल हैं, तो वहीं बटलर अभी तक अपना असली खेल दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आते हैं टीम के मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर संजू सैमसन पे, जिन्होंने 4 मैचेस में 171 रन बनाए हैं जिसमें 2 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। एक बार फिर उथप्पा के पास एक सुनहरा मौका था अपनी वर्थ को प्रूव करने के का, लेकिन क्या करें, एक और नाकाम पारी के साथ वो हमारी उम्मीदों पे भाई खरे उतरे हैं। हालांकि बेन स्टोक्स के टीम से जुड़ने से ये तय हो चुका है कि आने वाले मैचेस में राजस्थान के मिडिल ऑर्डर की समस्या दूर होने वाली है। अब अगर बॉलिंग अटैक पे गौर करें तो यहां टीम मेनली जोफ्रा आर्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, जिनका साथ देने के लिए जयदेव उनादकट मौजूद तो है लेकिन अभी तक कंट्रीब्यूशन देने में असफल हुए हैं। टीम के वीक लिंक की बात करें तो वो भाई हमें यहां पे अभी तक रॉबिन उथप्पा और युवा खिलाड़ी रियान पराग के रूप में दिखे हैं। अब अगर हम संभावित 11 खिलाड़ियों पे नजर डालें तो राजस्थान फिलहाल पुरानी टीम के साथ ही उतर सकती है, जिसमें होंगे जॉश बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, महिपाल लोमरोर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, टॉम करन, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, जयवेद उनादकट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए ये सारा एनालिसिस किया गया है और क्रिकेट तो वैसे भी भाई अनिश्चितताओं का खेल है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर हो सकता है। अब यहाँ पे सारे एरियाज को देखने और प्लेयर्स के बारे में जानने के बाद पिच रिकॉर्ड्स को देखते हुए अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 170-75 का स्कोर खड़ा कर देती है तो उसके जीतने के चांसेस हो जाते हैं डबल। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर हम दोनों ही टीम्स को आमने सामने रख के देखें तो एक बार हमें मुंबई की टीम ज्यादा बैलेंस और स्ट्रांग लग रही है और इसके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।